ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜੇਬਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਦੀ ਕਸਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਪਰਸ ਪੁਰਸ 'ਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਹੋਲੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖੋਲੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਟਕੇਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਕੇਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਲੜਕੋ ਕੋ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜੇਬੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ तीन चार कंप्लेने आई हैं हमें नहीं ब्लैकमेल करती हैं ना नहीं लड़कों को मेरी एक काम है काम कर दिया पैसा लेने बस काम करती हो तुम पैसे तो ले दे कितने पैसे लेती हो अरे 500-600 एक मर्द का क्यों करती हो ये 500-600 रुपए में मेरे 5 बच्चे हैं मैं क्या करूं खावन नहीं हैगा नहीं दिन दे विच एक मर्द दे नाल जानी है या ज्यादा जिन्हें आ जाओ रात को किस टाइम आनी है 8 बजे तो लेके कितने बजे तक होनी तो फिर कैसे कह रही हो कि मैं 500-600 लेती हूँ दो जाएंगे फिर दो हजार हो जाएगा महीने का 30,000 हो जाएगा ज्यादा ज्यादा 30,000 चलवा दे 30,000 20,000 रुपए मंथली पे मैं लगवा देता हूँ तो कहती है नहीं मेरे बारे में नहीं है गंदा काम करेगी 30,000 कमाएगी अल्लाह को भी जवाब देना है जिल्लत भी है खानदान में भी बदनामी है कितना गैंग है कितनी औरतें हैं सारिया ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੰਜ ਦੀ ਹੈ ਵਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਘਾਟੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 50,000 किन्ने पैसे लैनी है एक वारी दा या दो वारियां एक वारी दा अच्छा तेन सारा सुनान सुनदा और नहीं यार अबे रिकॉर्डिंग लाई है और नहीं ओए रिकॉर्डिंग हो साडी घर में तो अच्छा मेरी गल अपनी जांच कर अपनी जगह से लेके जाएंगी या होटल से किन्ने तेनो अच्छा लड़कों को ले जाके क्यों जेबे खाली करती हैं तीन चार कंप्लेने आई हैं हमें कि भाई यहां से जो है ना लड़के फंसा कर ले जाती हैं उनके साथ रेट करती हैं 1,000 रुपये 2,000 रुपये 1,500 फिर होटल में ले जाकर ऐसी आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे ऐसे ही आओ ऐसे ही खुल के सारी बात बता दो मुझे होटल में ले जाते हैं और वहाँ पे ले जाके हमें ब्लैकमेल किया जाता है हमारी जेबों से जितने भी पैसे होते हैं वो सब निकाल लेते हैं खातून जितनी होती हैं और फिर बाद में हमें कहती हैं कि निकल जाओ नहीं तो आप पे FIR दे देंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे तो वो बेचारे मजबूर होते हैं उन जाहिर सी बात है एक तो वो गलत जगह पे चले जाते हैं फंस जाते हैं दूसरा अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे तो वो बेचारे बदनाम हो जाएंगे अपने खानदान में यानी कि वो अपने चेहरा नहीं दिखा सकेंगे आप लोग बदनाम करती हैं नहीं ब्लैकमेल करती हैं नहीं लड़कों को मेरी एक काम है काम कर दिया पैसा लेने बस काम करती हो तुम पैसे ले दे कितने पैसे लेती हो काम करने का अरे 500-600 नहीं नहीं सही बताओ ना 500-600 ले दो 500-600 रुपये एक मर्द का 500-600 रुपये बस क्यों करती हो ये 500-600 रुपये में मेरे 5 बच्चे हैं मैं क्या करूं कोई नौकरी कर ले जॉब कर ले नौकरी पूरा होता है 10,000 कार का इन्हें मेन खावन नहीं हैगा नहीं 5 बच्चे ने हां बच्चे छोटे ने कितना खर्चा तेरा महीने का कुल खर्चा कितना है टोटल यार 5,000 मेरे 6,000 का मकान किराए ते वे या किराए ते वे अच्छा कितना किराया 10,000 10,000 अच्छा ते टोटल महीने का खर्चा कितना है तेरा बजट कितना है
15,000 बिल कराया हो जाता। अच्छा, तो 1500 घर का खर्चा। 1500 डेली का, यानी कि 50-60,000 रुपये तो गल टप जाती है। लेकिन तू तो एक मर्द का 500-600 लेनी है, वह तो 15,000 रुपये सीधा सीधा बनता है महीने का। दिन के एक मर्द के नाल जानी है या ज़्यादा? जिन्हें आ जाव। रात को किस टाइम आनी है? मैं तकरीबन 8 बजे। 8 बजे? 8 बजे तो लैके किन्ने बजे तक होनी? 11 बजे तक होनी। 8 बजे तो लैके 11 बजे तक, यानी कि 9, 10, 11, 3 घंटे। हाँ। 3 घंटे च अगर तू 1 रुपया भी ना कमाए तो अल्लाह माला कर। तो फिर की करनी है? अल्लाह माला कर। इस तो अलावा कोई काम नहीं करती? कोई किसी के घर दे विच कोई भांडे धो ले तो किन्ने दे दे? 4,000। कपड़े धो ले? ओ 4,000 दे दे बस। बस किसी दफ्तर दे च लवा दे, चाह शाह बना लेनी है, चाय शाय बना लेनी है। कितनी तनख्वाह? 20,000 बड़ा है। तो 15,000 तो चले जाना, 5,000 की करूँगी। तो तू गंदे गलत गंदे काम दे विच तू सिर्फ 15,000 रुपये महीना कमानी है, तो तेनों अच्छे काम वाले पासे लवा रहे हैं, वो तो तेनों 20,000 रुपये महीना मिलेगा, वो सही नहीं? 15,000 तो खाली बिल कराया। तो फिर कैसे कह रही हो कि मैं 500-600 लेती हूँ? एक बंदे मेरी ना दो जान के फिर हजार दो दा हजार हो जाएगा महीने का, 30,000 हो जाएगा ज्यादा ज्यादा। दो तो ज्यादा तो नहीं ना हो सकता? नहीं, दो तो ज्यादा, दो बंदे ना ज्यादा तो नहीं ना तू काम कर सकती है? डेली दे दो बंदे 30,000 रुपया सीधा सीधा। ते अच्छी गल नहीं, तू नौकरी कर ले, गंदा काम छोड़ ले, गुनाह भी है, आखिरत अल्लाह नु भी जवाब देना है। हां तन थोड़ी देना, 20,000 रुपये च नौकरी कर लेंगे, वो सही नहीं? नहीं वर्च नहीं आंदा ना, 30,000 से लगवा दे। 20,000 चलवा दा? 30,000 च? 30,000 चलवा। 30,000 च की करेंगी तू? दफ्तर दे विच चाय शाय बनाना ही होंदी है सिर्फ, वो 20,000 रुपया देंदे ने? नहीं 30,000 च नाल कोई और नौकरी भी कर ले छोटी मोटी। मैं पढ़ी लिखी है नहीं। 4 बजे तेनू दफ्तर ऑफ हो जाए, 4 बजे तो बाद तू फिर कोई और काम कर ले, कोई अपनी कोई मजदूरी कर ले यार। इधर होर भी खातून चीजा बेच रहे ने, कपड़े ला ले, कोई बच्चियां दे जॉब कर लो, काम कर लो किसी ऑफिस में, चाय शाय बना लो, आपको 20,000 रुपये मंथली पे मैं लगवा देता हूँ। तो कहती है नहीं मेरे बारे में नहीं है, गंदा काम करेगी 30,000 कमाएगी, अल्लाह को भी जवाब देना है और जिल्लत भी है, खानदान में भी बदनामी है। और कैसे कैसे ज़मीर करता है कि तुम्हारा कोई गैर मर्द तुम्हें हाथ लगाए? किसी का करता है ज़मीर हैं? नहीं किसी का काम ये बनता है? तेरा ज़मीर मानता है कि तो गैर मर्द तेरे नाल कोई पैसे हाँ? नहीं दर्जे पैसे तेरा काम या सच दस दे या वही काम कर दे जो मुंडे नूं इधरों ले जांदे हो सिर्फ होटल दे विच, उत्थे ले जाके सिर्फ जेबां खाली कर दे, सोची भी ना, फिर उस तो बाद उन्होंने ब्लैकमेल कर दे कि निकल जा इधरों नहीं तो पुलिस बुला लेंगे। मैं नहीं कर रही हूं। अच्छा इनका यही काम है, यकीन माने ये गलत काम नहीं करती, ये सिर्फ लड़कों को ले जाती हैं और वहाँ पर होटल में ले जाकर उनको ब्लैकमेल करती हैं, उनकी जेबें खाली करती हैं, यानी कि डकैती करती हैं। और इनके पीछे कौन से बड़े हाथ है जो इनको रोकती नहीं? तकरीबन 2 साल से तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये खातून, ये जो गैंग बना हुआ है औरतों का, ये वहाँ का वहाँ ही मौजूद है। SHO क्यों नहीं इन पर यानी कि कार्रवाई करता? SHO इरफान यहाँ पे तैनात है, CCPO साहब, वो क्यों नहीं पकड़ता इनको? यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 खातून यहाँ पे मौजूद है और हमें कंप्लेनें आई थी लड़कों की कि भाई इन औरतों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें ले जाती हैं होटल में, वहाँ पे ले जाके हमें ब्लैकमेल करती हैं, हमें मारती हैं और थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं जेबों से जो कुछ है निकाल दो, नहीं तो 15 पे कॉल करने लगी हूँ और तुम पे वो दफ़ा लगाऊंगी 376, यानी कि 16 साल तुम हवालात यानी कि जेल में रहोगे। 376 की तो आपको पता है सज़ा क्या है, 16 साल सज़ा होती है, लेकिन वो बेचारा मजबूर होता है, खानदान में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता, तो वो जो कुछ होता है उनके पास वो निकाल के दे देता है। तो ये हालात है, लेकिन इस क्राइम को कौन रोकेगा? इस क्राइम को सिर्फ हमारी पुलिस रोकेगी, लेकिन पुलिस क्यों नहीं रोकती? पिछले 2 साल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और इसी खातून को बार बार पकड़ रहा हूँ, लेकिन हमारी पुलिस हरकत में नहीं आ रही। हमारी पुलिस क्यों नहीं हरकत में आ रही, यह तो सवालिया निशान है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह।